हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल तिवारी क्लासेस HM में आपका स्वागत है। आप देखते रहे पूरी वीडियो, स्किप मत करना दोस्त। हाँ तो आज करते क्या, देखिए दीपावली है ना, दीपावली है बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत बढ़िया त्यौहार है ना। तो इस पे सबसे पहले मैं करना क्या चाहूँगा, एक दिया जलाऊंगा, ठीक। और भी कैसे, पानी डाल करके दोस्त है ना। तो बस दिया जलाऊंगा कैसे, पानी डाल करके, वो भी अमेजिंग टेस्ट से, मतलब अच्छा लगेगा आपको, ठीक। कैसे दिया दोस्तों, ठीक। ये रहा गिलास में पानी, देखिए आपको गिलास में पानी निकाल के इसमें डालते हैं, जलेगा है ना। आप लोग समझ गए होंगे कुछ हमारी बातों को, ये लाइव चल रहा है आपके सामने, ठीक। ये दोस्तों आप देख रहे हैं जैसा कि ये पानी, मैंने पानी डाला और दिया जल गया, ठीक। अब इसी बात पर, दीपावली के शुभ अवसर पर आप सबसे पहले करिए क्या, एक लाइक कर दीजिए ना, क्योंकि लाइक तो बनता है ना यार, दिया जलाया दीपावली का मामला है ना। अब बात करते हैं, हाँ जी सही बात सुना आपने, लाइक करिए पहले, लाइक कहाँ कहाँ कहाँ, वीडियो मत, वीडियो हटाना मत, हटाना मत, लाइक करिए पहले आप, ठीक। तो मैंने पानी से क्या किया, मैंने दिया को जला दिया। तो अब चलते हैं दोस्तों, तिवारी क्लासेस HM में आपका स्वागत है। आप देखते रहे पूरी वीडियो, स्किप मत करना मेरे दोस्त। देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनिए, ठीक। देखिए आपने क्या है, ये नवंबर चल रहा है ना, दीपावली वगैरह सब लेकर के आपका ये नंबर जाने वाला खत्म हो जाएगा, ठीक। आपको पता ही नहीं चलेगा भाई। तो इसके करना अब क्या है, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप से देखिए, आप करना जानते किस तरीके से पास होना है। बहुत लोग क्या करते हैं, जो नहीं पढ़ते वो पास हो जाते हैं। मान लिया बहुत लड़के कहते हैं जल्दी, मतलब कोई चीज उससे पूछा उन्होंने बता दिया, तो तुम क्या बोलते हो, दिमाग उनका तेज। भाई दिमाग उनका तेज नहीं, उनका पढ़ने का तरीका अलग, नजरिया अलग। बोलो क्या मतलब, वो उस क्वेश्चन पर फोकस करते हैं जो कि जो क्वेश्चन बार बार आते हैं, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। और तुम लोग क्या करते हो, जो भी नहीं आया उसको भी पढ़ रहे हो, मतलब किताब से और शुरू से पढ़ रहे हो, तो क्या उनके और तुम में ये भी फर्क है ना। तो ध्यान देना, क्या वही क्वेश्चन आपको बताया जाएगा आज, कि जो क्वेश्चन चांसेस पाए जाते हैं आने का, ठीक। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है ना। तो अब करते क्या है भाई, पैसा खर्च करते हो ना तुम लोग, पैसा देते हो स्कूल में, अगर पास नहीं होते तो कितना गलत बात है ना। तो क्या यार, अब समझा करो अपने आप, कुछ मैं बता नहीं सकता, ठीक। पढ़ाई करो है ना, पास हो, अच्छे से अच्छे नंबर लाओ है ना, जिसका जो मन हो करो आगे चल के, ठीक। तो यही कहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक। तो हाँ, तो ये सब बात को छोड़ते हुए हमारी वीडियो में देखिए क्या, इस वीडियो में मिलेगा पता है आपको, इस वीडियो में दोस्तों आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बार बार आता है, ठीक। ये नहीं बताया मैंने, 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, मैथ का भाई, इंटर का मैथ है, कोई खेल नहीं है इसमें। आपको ना तो नंबर कोई वगैरह मिलता है, 30 नंबर भी नहीं मिलता, कोई चीज़ नहीं मिलता, कोई सपोर्ट नहीं स्कूल से, कोई सपोर्ट नहीं भाई, आपको अपना खुद पेन चलाना पड़ता है, ठीक। तो अब करते हैं क्या, देखते हैं ना, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी है ना। तो क्या लिखा है, कक्षा 12 समाकलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024, 100% मैथ में आप पक्का। हाँ जी आपने सही सुना, अब आपका मैथ नंबर आपका पक्का हो जाएगा, वो भी 100%, नहीं तो मान चलिए 80-85 तो बिल्कुल हो जाएगा, ठीक। इसीलिए मैं ज्यादा ये नहीं कहता हूँ बिना पढ़े पास 80-90%, ऐसा नहीं, 100% का टारगेट लाया हूँ दोस्तों। अगर इतने हिसाब से मेहनत करोगे, 30 हिसाब से क्वेश्चन जो मैंने बता रखा हूँ उस हिसाब से मेहनत करोगे, तो आपका लिमिट के हिसाब से आपका आ जाएगा 80-82-85 के अंदर आप आ जाओगे, ठीक। तो इसीलिए कहता हूँ कि अब देखिए, तो करना क्या दोस्तों, लिखा है समाकलन का पहला सवाल क्या है, देखिए पहला सवाल समाकलन का लिखा है, समाकलन फिर समाकलन का चिन्ह लिखा है, कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स का सही मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक। कहोगे तो मैं बता भी दूंगा, कमेंट में लिख देना कि सर मुझे बताइए सोल्यूशन, तो बता दूंगा, ठीक। ये तो बात की बात। दूसरा सवाल क्या है, समाकलन फिर समाकलन का चिन्ह लगा, 1/sin² इंटू cos² dx का मान, भाई ये सवाल जो लिखा हो ना। हाँ तो दोस्तों क्या है, अब देखिए ये सवाल ये इसलिए बता रहा हूँ भाई कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है ना, मानो मेरी बात भाई, ये आते जरूर हैं, 3-3, 4-4 नंबर करके सवाल आते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि इंटर में एक एक नंबर भारी, एक एक नंबर जरूरी होता है, ठीक भाई। अच्छे स्कोर लाना चाहते हो तो मैंने बता दिया ना पहले ही, पहले समाकलन के अंदर लिखा है 1/sin² x इंटू cos² dx का मान लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट सवाल ये सब है, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है ना, लगा लोगे आप लोग। तीसरा नंबर सवाल क्या, समाकलन समाकलन के अंदर x sin x इंटू dx का मान क्या चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसी के जैसा दूसरा भाई क्या है, ये समाकलन के अंदर x cos x dx का मान क्या चाहिए, इसी का भाई है ना, दोनों एक ही जैसा है, ये क्या है भाई, है भाई है ना। पांचवा सवाल क्या है, समाकलन लिखा क्या, समाकलन का चिन्ह लिखा ऊपर लिखा √3 और नीचे 1 dx/1 + x² बराबर है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक।
फिर दूसरा इसी के लिए दूसरा क्या है समाकलन के अंदर, रूट अंडर रूट की क्या लिखा है, 1 प्लस साइन 2x, 2x है दोस्तों, 2x dx का मान ज्ञात कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट। समाकलन के अंदर x ex dx का मान ज्ञात कीजिए, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर छठा नंबर सर क्या है समाकलन, फिर लिखा है समाकलन का चिन्ह 1 अपान 1 प्लस cos x dx का मान ज्ञात कीजिए, भाई वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, फिर सातवां नंबर सवाल है समाकलन का चिन्ह लिखा है log x dx का मान ज्ञात कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये अभी और देखना, ठीक, तो इम्पोर्टेंट सवाल है भाई, इसमें आपको कोई कताही नहीं करनी है, आपको सब एक बैठ करके अच्छे से नोट कर लेना है या नहीं नोट करना है तो वीडियो को देखते रहना और लगाते जाना, ठीक भाई, लगाओ जरूर। यह आठवां नंबर जो सवाल भाई, ये सब इम्पोर्टेंट सवाल है मेरे, यकीन मानो भाई, आप लगाते रहो, हटाना मत, ठीक। क्या लिखा है समाकलन के अंदर, समाकलन पाई की पाई 0 से लिमिट पाई तक है, फिर क्या लिखा है साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 माइनस cos² x/2 ब्रैकेट क्लोज दोनों तरफ से dx का मान कर दीजिए, ये सब इम्पोर्टेंट अपने नोट में लिख लीजिए भाई। आप नवंबर बीत चुका है, दिसंबर जनवरी में अगर ये सब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो इसमें कम से कम भाई अच्छा नंबर स्कोर करोगे। 9 नंबर सवाल क्या है समाकलन dx/1 प्लस 10x का मान ज्ञात कीजिए, भाई इम्पोर्टेंट तो है ही है, मैं बताऊंगा ना आप लोग चाहे भी जहां देख लोगे, हर टेस्ट में ये सब सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, 10वां नंबर सवाल क्या है समाकलन लगाया निशान e घात x ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस x ब्रैकेट क्लोज बटे में लिखा है cos² ब्रैकेट के अंदर e घात x dx का मान कीजिए, भाई वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, कोई संदेह नहीं इसमें, ठीक, ये सब सवाल संदेह वाले नहीं, तो कोई रुके भगाना मत वीडियो। ठीक, साइन 2x बटे a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x को x के सापेक्ष ज्ञात करना, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष आपको ज्ञात करना दोस्तों, तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर क्या लिखा है 12 नंबर साइन अंडर रूट x बटे रूट x को x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। ठीक भाई, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आइए क्या है 13 नंबर सवाल। ठीक, क्या लिखा है समाकलन के निशान लगा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, क्या लिखा है 1 बटे log x - 1 बटे log x का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx का मान ज्ञात कीजिए, भाई इंपॉर्टेंट है और कठिन भी है, ये भी बताऊंगा कि कठिन भी है बट क्या है इंपॉर्टेंट है, चांसेस ऐसे ही सवालों को पाई जाती। 8 नंबर सवाल थोड़े ही नहीं, मैं ये तो बोल रहा ना 8 8 5 5 6 6 समाकलन जरूर आता है, तो 8 नंबर सवाल नीचे वाला है। हाँ, तो इसके बाद और क्या सवाल है 14 नंबर सवाल। ठीक भाई, यही तो खराबी लगती है जो तुम ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, यही तो खराबी तुम्हारी लगती है जो वीडियो भगाते हो, स्किप करके क्या बढ़ाते हो, भाई बढ़ाओ मत मेरे दोस्त, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई के लिए ना बहुत जरूरी है भाई, आप पढ़िए, भगाने वाला काम मत कीजिए, है ना, मुझे गुस्सा आ जाता है। क्या लिखा है 14 नंबर का पहला सवाल, 14 में 3 सवाल क्या है जो कि एक ही कैटेगरी का, एक ही जैसा लगेगा। ठीक, क्या लिखा है पहला सवाल, पाई बाई टू 0 से लिमिट कितना है, पाई बाई टू अंडर रूट क्या लिखा है साइन एक्स बटे रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, भाई वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ये भी समझ लीजिए, इसी का लगा लेगा तो इसका भी लग जाएगा, उसी का भाई है। क्या लिखा है 0 से लिमिट पाई बाई टू, समाकलन लिखा हुआ आगे लगा हुआ है रूट कॉस एक्स बटे रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स बराबर कितना लाना है पाई बाई फोर, वही तरह सवाल लगेगा। इसी का दूसरा भाई क्या है 0 से लिमिट a तक है रूट एक्स बटे रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स डी एक्स का मान गया थी, इसी का भी वही तरह लगेगा। ठीक, ये तीनों सवाल एक ही जैसे सवाल है, बात खत्म। इसके बाद आता है 15 नंबर सवाल, है ना, क्या उनसे सवाल होता है 15 नंबर सवाल होता है, लिखा है रूट 1 माइनस x बटे 1 प्लस x को x के सापेक्ष आपको मान ज्ञात करना दोस्त, x के सापेक्ष, ये x के सापेक्ष आपको समाकलन करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो है ही इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन बैंक से भी मिल रहा होगा, है ना, आप ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद आता है 16 नंबर, क्या लिखा है समाकलन चिन्ह लिखा है डी थीटा बटे बी कॉस थीटा प्लस साइन सी साइन थीटा को ज्ञात कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है ना। 17 नंबर सवाल, साइन इनवर्स बोलते हैं, ठीक, माइनस वन जो लिखा है इसे इनवर्स, साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2x/1 प्लस x² का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कह रहा है कि इसके x के सापेक्ष आपको समाकलन ज्ञात करना है, भाई इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं, दोनों नहीं पर ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ ले बताओ, क्योंकि ये ऐसा ही जो मैंने निकाल कर रखा है ना, ये वीडियो ही इम्पोर्टेंट है, बस आप वही है ना, बात को फॉलो करो या ना करो ये तुम्हारी मर्जी। ठीक, क्या है 18 नंबर सवाल, 0 से लिमिट कितना है पाई बाई टू डी एक्स बटे क्या लिखा है दोस्तों, ये 1 1 प्लस रूट के अंदर अंडर रूट क्या लिखा है 10x बराबर कितना है पाई बाई फोर, आप समझ गए ना, ये भी इम्पोर्टेंट, तो कहाँ ले बताएं, क्योंकि वीडियो ही इम्पोर्टेंट। तो इसके बाद क्या है और
हाँ तो और देखिए इसके बाद क्या सवाल भाई, ये 19 नंबर सवाल भी इम्पोर्टेंट का लिखा है। जीरो से लिमिट एक तक है, साइन इनवर्स ब्रेकर के टू एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर, आपको कितना लाना है, पाई बाय टू माइनस लॉग टू, इतना लाना है तब आपका सवाल पूरा हल हो जाएगा। ठीक, 20 नंबर सवाल क्या है, जीरो से लिमिट कितना है, पाई बाय टू समाकलन का निशान लगा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स बराबर लॉग टू ब्रेकर में रूट टू प्लस वन बाई रूट टू। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट भाई, 100% ये आएगा जरूर। कितना परसेंट, 100% पक्का है ये आएगा जरूर, ये मान चलिए, ये सवाल लिखा रखा है, ये भी समझ लीजिए। ठीक, जो 20 नंबर सवाल, 21 नंबर भी लिखा रखा, क्या इस पता ही नहीं, तो ये कितना इम्पोर्टेंट भाई, इम्पोर्टेंट है पूरे वीडियो ये बता रहा हूँ ना। क्या रखा है, 21 नंबर समाकलन के अंदर क्या रखा, रूट कोट एक्स प्लस रूट टेन एक्स ब्रेकेट बंद, ठीक, डी एक्स का समाकलन मान ज्ञात किए, समाकलन करके मान ज्ञात करना, ठीक, वही है समाकलन करना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 20 नंबर सवाल क्या है, जीरो से लिमिट कितना है, पाई एक्स डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बराबर कितना, पाई स्क्वायर बटे टू ए बी। आपको पता ही होगा ये सवाल कितने बार आ चुका है, पता है, ये सवाल आपका 19 20 21 22 23 है ना, 24 में तो संभालना हमारे हिसाब से समझो आ चुका। ये सवाल जो है लॉकडाउन जब लगा था और जब दोबारा पेपर हुआ था तब भी ये सवाल पूछा गया था, समझ लीजिए कितने इंपॉर्टेंट सवाल है, भले ही कठिन है लेकिन इंपॉर्टेंट कितना, समझ सकते हैं आप, नहीं समझ सकते, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर 20 नंबर ठीक, और 23 नंबर सवाल क्या है, जीरो से लिमिट कितना है, पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, है ना, समझ गए आप लोग। 24 नंबर सवाल क्या है, समाकलन का चिन्ह लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है लॉग, ब्रेकेट फिर लिखा है लॉग एक्स ब्रेकेट क्लोज प्लस वन अपान नीचे क्या लिखा है, बटे में लॉग एक्स ब्रेकेट के ऊपर स्क्वायर लगा है, पूरा ब्रेकेट लिखा है, डी एक्स का मान ज्ञात करना, ये भी इंपॉर्टेंट, समझ गए आप लोग। 25 नंबर सवाल क्या है, लिमिट कितने से समाकलन लगा है, लिमिट कितने से, जीरो से एक है ना, फिर टेन इनवर्स एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, तो आप समझ गए दोस्त, ये भी इंपॉर्टेंट है। 25 सवाल ये हो गए, अभी और बाकी है ना, तो आप समझ गए ना कितना इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, अब देखिए 26 नंबर सवाल, ये भी जरूरी है, क्या लिखा है, साइन एक्स बटे साइन ए साइन एक्स बटे साइन ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस ए, सवाल ही जरूरी है, ठीक, कोई बात नहीं। 27 नंबर सवाल क्या लिखा है, समाकलन का चिन्ह लिखा है, फिर अंदर लिखा है एक्स ब्रैकेट के अंदर एक्स पावर फोर माइनस एक्स ब्रेकेट बंद वन अपान चार मतलब एक बटा चार बैटरी में, फिर लिखा है एक्स बटे एक्स के घात पांच डी एक्स, क्या कहते हैं ना, समाकलन ज्ञात करना इसका भी, ठीक। फिर आता है 28 नंबर सवाल, कहाँ से लिमिट कहाँ तक दोस्तों है, है ना, तो सवाल आता है 28 नंबर, लिमिट कहाँ से, जीरो से पाई तक एक्स डी एक्स बटे वन प्लस साइन एक्स का समाकलन ज्ञात कीजिए, ये भी जरूरी है, ठीक। 29 नंबर सवाल क्या है, जीरो से पाई, लिमिट कितना है, जीरो से पाई, ये सब कौन से गुण वाले सूत्र से लगेंगे, जीरो से पाई लिमिट लॉग ब्रैकेट के अंदर वन प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट बंद डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ये भी जरूरी था, ठीक। 30 नंबर सवाल, ये भी जरूरी सवाल, 29 30 में दोनों इंपॉर्टेंट, 29 और 30, जीरो से लिमिट कितना है, पाई बाई फोर लॉग ब्रैकेट के अंदर वन प्लस टेन एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो समझ गए भाई, है ना, तो मैं आप लोग वीडियो देख करके समझ गए, अगर समझ गए तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो ऐसे बेटे आप मिलती रहेंगे, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को क्योंकि वो भी देखें, है ना, तो